बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आफ्टर लॉन्ग राइड करन कश्मीर माशाल्लाह पहुंच गए हम वहाँ पे। तो बड़ा लंबा एक साढ़े चार बजे का टाइम है, दोपहर का, गाड़ी का फर्स्ट चेकअप कराने लगे हैं और पार्किंग वगैरह हवाएं वगैरह सारी, गाड़ी का फर्स्ट चेकअप कम्प्लीट हो गया और अब हम सफर स्टार्ट करने लगे हैं कश्मीर के लिए। सफ़र शुरू हो गया हमारा कश्मीर के लिए और 5:21 हो गए हैं और घर से मैं निकला था 4 बजे। रास्ते में गाड़ी का फर्स्ट चेकअप कराया, ऑयल चेंज कराया और साथ सीमा साहब बैठे, सीमा साहब आए करे थे जल्दी से पीछे रजा मीर साहब बैठे हैं, रजा भाई, और कश्मीर के लिए निकल गए हैं हम। हमारा माइंड है कि सूखे की या फीरा पे रोज़ा इफ्तार करें और थोड़े से फ्रेश भी हो जाएंगे वहाँ पे। इफ्तारी के बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद, मरी से कोहाला और कोहाला से मुजफ्फराबाद कश्मीर के लिए इंशाल्लाह सफर स्टार्ट करेंगे। तो साथ रहिएगा हमारे, इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते रहेंगे मज़ीद चीज़ें और आपको दिखाते रहेंगे। तारीख का टाइम हो गया है और हम भीरा पहुंचे हैं, पीछे पीछे रजा भाई भी चलते आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्यामत याम पे यहाँ पे दूध सोडा वगैरह पीने का मूड हुआ है कि चले ठंडा, और उसके बाद फिर KFC वगैरह कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ खाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो है देखें लोग जो है बैठे हुए हैं अफ्तारी के लिए। तो अफ्तारी के लिए KFC जो है वो ली है और वेट कर रहे हैं, देखें जी वो रजा भाई पीछे जाके बैठ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में ये ऑर्डर मिलने वाला है। हाँ लो अफ्तारी का सामान आ गया, उसके अंदर एक बकेट है और इससे पहले दूध सोडा पी लिया हमने, और राइस बाउल्स हैं, साथ कोक है। और हमला कर दिया रजा भाई ने सबसे पहले दूध के मिल्क पैक के। और मैं तो जी चिकन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब इससे पहले कि ये ठंडा हो हमें हमला कर देना चाहिए इस पे, हर बंदा अफ्तारी में मसरूफ है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खाना शाना खा लिया है, अफ्तारी हो गई है और अब जो अल्हम्दुलिल्लाह भीरा से दोबारा मोटरवे पे स्टार्ट लिया। और टाइम क्या हो गया जी, 7:28 मेरी घड़ी पे। तो अल्लाह ताला खैर करे और 2 घंटे में या 2.5 घंटे में इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से भी फर्दर हम मरी कोहाला की तरफ से, जैसे आपसे शेयर किया था उसी तरफ से आगे सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया अफ्तारी करने का, सारों ने खाना खा लिया और मील ले लिया ताकि रास्ते में दोबारा कहीं रुक के प्रॉपर खाना ना खाना पड़े। अब प्रेफरेबली हमारा मूड यही है कि कश्मीर मुजफ्फराबाद क्रॉस करके ही जहाँ पे भी हमने स्टे करना है, जाके पता चलेगा इंशाल्लाह कहाँ पे करते हैं स्टे, तो वहीं पर जाके ही दोबारा कोई भी मील लिया जाए अगर लेने का मूड हुआ तो, क्योंकि सहरी करनी है आगे इसके बाद इंशाल्लाह कल के लिए। तो वैसे मील तो कुछ लेंगे।
जाएंगे जरूर बेशक लाइट लें, और फिलहाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह टमी इज़ फुल और बड़ा मज़ा आया। रजा भाई भी देखें पीछे रेस्ट पे हैं। तो दुआ में याद रखिए, सफ़र जो है अच्छा अच्छा गुजर जाए। अपना जिन्हें से बिरा क्रॉस हुआ है, चक्री क्रॉस हुआ है, और तकरीबन 3-3.5 घंटे में हमने चक्री क्रॉस कर ली है, और ड्रिंक्स वगैरह ले ली हैं मजीद हमने, और चीमा साहब ने पानी बेशुमार पी लिया, ला तदाद पी लिया, और अब चीमा साहब वॉशरूम के सर्च में मुझे कहते हुए तेज चलाओ यार, इस्लामाबाद पहुंचो। यार चीमा साहब ऐसे तो ना करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर जो है आगे सांबर 49 किलोमीटर रह गया चक्री के बाद, तो फाइनली हाँ जी रजा साहब 28 किलोमीटर है चक्री का। यार फाइनली जी सांबर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, और 9:45 का टाइम हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर हाईवे की खासियत यह है कि आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं लगती आपकी गाड़ी की, वहाँ सीधा चुमी होती है आपके जाके अगली गाड़ी के साथ, क्योंकि आपकी गाड़ी ऑब्वियसली स्पीड में होती है। तो माजद के साथ इस्लामाबादियन जो है ये लेन को चेंज करते हुए ये सिग्नल नहीं देते, ये आपको तभी पता चलता है जब आपकी गाड़ी की आगे किस हो जाती है दूसरी गाड़ी के साथ। तो इस्लामाबाद वालों यार कम ऑन, थोड़ा सा एहतियात करें। सारे नहीं, इस्लामाबाद के बड़े अच्छे ऑब्वियसली ड्राइवर भी हैं, बट कुछ अंदर ड्राइवर ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, जो कि हर जगह पे इस्लामाबाद लॉग कर दिया, हर जगह पे मिलेंगे। तो पाक सेक्रेट के पास इस वक्त मैं पहुंच गया हूं, और आप देखें मुझे रुकना नहीं पड़ा कहीं भी इस्लामाबाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे, सफ़र जो है इसी तरह चलता रहे हमारा, और हम खैर वाफियत से पहुंच जाएं अपनी मंजिल मकसूद तक। यहां से अगर हम अब जिस जगह पे मैं पहुंच चुका हूं, यहां से अगर हम लेफ्ट हो जाते हैं तो रावलपिंडी के लिए रास्ता, और IJP रोड जो है, जो रोड वही रोड आगे जो GT रोड पे भी लगता है, तो उस तरफ चला जाएगा। और अगर हम सीधा जा रहे हैं, क्योंकि मरी जा रहे हैं, तो मरी की तरफ जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, तो मरी से होते हुए जी मतलब हम जा रहे हैं, हम तो किसी के लिए मरी जा रहे हैं, हम तो लोगों के लिए नहीं, हम अपनी जान के लिए मरी। ठीक है जी। इस वक्त हम श्रीनगर जो था एक्सप्रेस वे, जो श्रीनगर हाईवे है, उसके बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गए हैं, और यहीं से एक रास्ता जो है, क्योंकि मेरे बिल्कुल इस वक्त लेफ्ट साइड पे सरीना होटल है, और सरीना होटल और दूसरी साइड पे अब मैं जो मरी हाईवे है, जो मरी का जो रोड है, मरी जाने के लिए हम उस तरफ टर्न होंगे। तो अब ये लास्ट एक बिल्कुल था इसका सिग्नल, ये सिग्नल को क्रॉस करने के बाद हम आगे एक साइड पे मेरे रेड जोन है, रेड जोन में जितनी भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में एम्बेसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, जो डिफरेंट सेक्रेटरीट्स हैं यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है, सदर का सेक्रेटरीट जो है, वो सारे यहाँ हाउसेज यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी चूंकि बिल्कुल मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ से जो ये रास्ता है मरी के लिए निकल रहा है। तो चीमा साहब 12 को मरी के बोर्ड और मुजफ्फराबाद के बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, जब भी आपने आना है मरी और कश्मीर के लिए आपका मूड हो, तो आपने हमेशा कश्मीर एक्सप्रेस से क्रॉस करते हुए कश्मीर हाईवे, और कश्मीर हाईवे की जो लास्ट है, आपने माइंड में रखना ये बात, कश्मीर हाईवे के लास्ट से आपको रोड मिलेगा मरी के लिए। मरी के लिए जब आप टर्न होंगे तो मरी फिर पूरा सिटी तक जाना है आपने, मरी एक्सप्रेस वे से होते हुए, वहां से फिर आपने कोहाला ब्रिज की तरफ जाना है। आप उसे गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इसे पूछ सकते हैं। तो जब भी आपने कश्मीर जाना है कोहाला ब्रिज क्रॉस करके, फिर आप टूअर्स मुजफ्फराबाद जाएंगे, क्योंकि कश्मीर से पहले मुजफ्फराबाद सिटी आता है, जो एक सेंटर प्वाइंट भी है एक बिल्कुल। तो मुजफ्फराबाद सिटी जो है,
वो कश्मीर का स्टार्ट ऐसे जी, मतलब मुजफ्फराबाद जो है वो कैपिटल है कश्मीर, कश्मीर का तो वो कह लें कश्मीर का एक जैसे स्टार्ट है, उसके बाद आगे फिर वादियां स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से देखें ये श्रीनगर हाईवे मरी के लिए लेफ्ट और कश्मीर चौक मतलब वापस इस्लामाबाद जाने के लिए आपने राइट होना था, क्योंकि हमने कश्मीर जाना है तो हम इस तरफ हो गए हैं मरी की तरफ। मरी एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहे हैं और आप देखें कितना स्मूथ रोड है ये टिल मरी, बिल्कुल इसी तरह का रोड है, बड़ा आप सुकून से जाते हैं इसी रोड पे। आपको मैं देख रहा हूँ स्मॉल हॉस्पिटल वगैरह फार्मेसी वगैरह कुछ चीजें मतलब मिलेंगी। इसके साइड पे कुछ सोसाइटीज वगैरह नई बन गई हैं, अब तो पहले ये नहीं था अलबत्ता, बट जो है रोड जो है इटसेल्फ बड़ा नीट एंड क्लीन है, आपकी गाड़ी बड़ा अच्छा से कवर करती है। और इसके बरक्स अगर आप ओल्ड जो था एक रोड मरी का वो देखें तो वो बहुत ज्यादा बम्पी था, और क्योंकि ओल्ड था तो इस वजह से इतना ज्यादा मजे का रोड नहीं था। ऐसे ही रहता भाई, अब तो वो भी बेहतर हो गया, अब तो अच्छा अच्छा मैं गया नहीं बड़े अच्छे से, मैं उस रोड पे नहीं गया अब तो उसको भी इसी तरह काट जो ये रोड है ये तो स्पेसिफिकली बना ही मरी जाने के लिए लोगों के लिए था, क्योंकि इस्लामाबाद से मरी बहुत ज्यादा पंजाबी खासकर पंजाब से लोग जो है जी मतलब मरी बहुत ज्यादा ट्रेंड है पंजाब से जाने का, तो ये है कि लोग इंजॉय करते हैं, तो बड़ा अच्छा रोड ये तब बना है। अब मजीद सुना है कि इस्लामाबाद के स्टार्ट से ही मोटरवे से एक एक्सप्रेस वे बनने लगा है जो कि इस एक्सप्रेस वे को आके टच करेगा। आप जो M2 है M2 से डायरेक्टली आप मरी एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे और विद इन लाइक जो घंटे का पूरा इस्लामाबाद आपको घंटा आधा घंटा आपको वो जलील होना पड़ता है अंदर ट्रैफिक के, वो आपका टाइम बच जाएगा। तो ये ऑब्वियसली ये पॉलिसीज जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गवर्नमेंट कर रही है बना रही है नहीं ये अच्छी है। बिजली चमकने की बिल्कुल बड़ी अच्छी आवाजें आ रही हैं। आप देखें ये है मुजफ्फराबाद सिटी का स्टार्ट, यहाँ से तो मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के अंदर हम एंटर हो गए हैं, ये अब सिटी मेन सिटी स्टार्ट हो गया है मुजफ्फराबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, सब खैरियत से हैं, ठीक हैं। एक कल रात एक लंबी राइड बारिश मुजफ्फराबाद जैसी क्रॉस की है तो बारिश स्टार्ट हो गई है, और बारिश ने जो है हमें टिल केरन तक बारिश ख़त्म नहीं हुई, और हम 3:10 पर अप्रॉक्सीमेटली हम केरन पहुंचे थे कल। तो अब जो है आपके सामने नज़ारे हैं, ये पीछे ग्रीनरी माशाल्लाह देखें, ये इस होटल में हमने स्टे किया है, ये देखें वैली ट्रैकर्स ये होटल है। तो अभी क्योंकि रमज़ान है अभी बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह ओपन नहीं हुए, बट स्टिल बिकॉज़ यहाँ पे ये पूरी वैली है, रहायशी है यहाँ पे, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन था, लोग खूबसूरती है यहाँ पे। तो केरन में स्टे किया आके वैली ट्रैकर्स होटल के अंदर, बड़ी ही पीसफुल बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह ताला की क्या खूबसूरत नेमत है कश्मीर, इसे जन्नत कहते हैं। मैं कश्मीर आया हूँ पहली दफ़ा और मैं फ़ैन हो गया हूँ कश्मीर की वादियों का, एक हर इलाका हर एरिया अल्लाह ताला की एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक जो खूबसूरती है वहाँ पे मिलेगी। कश्मीर में अगर आप स्पेशली अगर आप ग्रीनरी लवर हैं, आपको ग्रीनरी पसंद है, तो आप ज़रूर कश्मीर ही आपकी वो साइड है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर तो आप देखें मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ केरन वैली में, ये सामने दरिया है और दरिया की दूसरी साइड पे इंडिया है, और इवन जो मेरे इस साइड पे ये जो पीछे पहाड़ हैं ये भी सारे इंडिया के हैं, मतलब ज़िगज़ैग जो दरिया है वो ज़िगज़ैग शेप में है, कभी आपके आपको दोनों तीनों तरफ से इंडिया जो है वो घेर लेते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, और जो दूसरी साइड है इसके अंदर एक छोटी सी वैली हमारे पास रह जाती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको दूसरी साइड पे तीनों साइड पे पाकिस्तान की वैलीज आ जाती हैं और इंडिया जो एक साइड पे चला जाता है। तो सीन्स माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत हैं,
आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये देखें जी, ये हमारे ये दूसरी साइड पे ये सारे कश्मीर के लोग रह रहे हैं, उनकी रहायशें हैं, उनके मवेशी जो है वो अपना चारा खा रहे हैं, और दरिया के इस साइड पे मैं हूँ ये, और हम इधर केरन के अंदर हैं इस वक्त, और हमारा माइंड है कि हमने आगे जाना है शारदा, शारदा से केल और अरंगकेल जाना हमने। तो क्या खूबसूरत प्लेस है रजा भाई, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त वेदर है यहाँ का वेदर, और एक जो सीनरी नजर आई है नेचुरल, तो वो बड़े मजे की है ये। तो ये देखें, ये दूसरी साइड पे ये जो सामने ये लोग रह रहे हैं, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग रह रहे हैं। तो एक ही वैली है, एक ही लोग हैं, बट 70 years, मोर देन 70 years ये बिल्कुल अलहदा अलहदा इनकी सेपरेशन में रह रहे हैं अपनी लाइफ को। तो वादियां जी स्टिल वही हैं, खूबसूरती वही है, और ये सामने ये अखरोट का दरख्त है, और साथ इसके दरिया बह रहा है, ये देखें।